देश में बेतहाशा बढ़ रही महंगाई, बेरोजगारी तथा खेतों में पानी नहीं पहुंचने के विरोध में महागठबंधन ने प्रतिरोध मार्च निकाला। यह मार्च नगर के विभिन्न मार्गों से होता हुआ किला मैदान में पहुंचा, जहां एक आम सभा कर लोगों से यह कहा गया कि यह सरकार जनविरोधी है, सरकार लगातार महंगाई बढ़ा रही है, वहीं उसके पास रोजगार तथा खेतों में सिंचाई आदि तक का कोई प्लान नहीं है। ऐसे में सरकार के विरुद्ध यह मार्च निकाला गया। गरीबों के लिए आज रोड पे है, जो महंगाई बढ़ रहा है, महंगाई के खिलाफ, बेरोजगारी के खिलाफ, भ्रष्टाचार के खिलाफ हम रोड पे हैं आज, जनता के सवाल को लेकर। हम लोग महंगाई जो देश में चरम सीमा पर बढ़ी हुई है, पेट्रोल का, डीजल का, और खासकर हम लोग किसान हैं, बक्सर जिला के किसानों के खेत में पानी नहीं पहुंचता है, किसानों के दाम का अनाज नहीं मिलता है, नौजवानों को जो अग्नि योजना में फंसाया गया है उसका हम लोग विरोध कर रहे हैं। प्रतिरोध महंगाई का, बेरोजगारी का, भ्रष्टाचार का, लूट का, अत्याचार का, सांप्रदायिक उन्माद का, जुल्म का, उसका प्रतिरोध हो रहा है। हम तो देख ही रहे हैं कि देश में जहाँ एक तरफ किसान कृषि संकट से गुजर रहा है, पर बारिश नहीं हो रही है, सूखा का संकट मंडरा रहा है, ऐसे समय में जब किसानों को राहत देनी चाहिए थी तो सरकार किसानों पर टैक्स का एक अलग से बोझ ला रही है। जो कभी नहीं इतिहास में टैक्स दिया गया, वो पहली बार मौजूदा सरकार ने किसानों के ऊपर टैक्स ला दिया। वो बेतहाशा महंगाई है, आप देख सकते हैं पेट्रोल का दाम, डीजल का दाम, और अब तो चावल, दाल, आलू, आटा, ये गरीब आदमी भी जो माड़ बच्चों का चोखा खा करके भी जिंदा रह सकता था, उसके लिए अब जीवन जो है वो मुश्किल बनता जा रहा है। इसीलिए हम लोगों ने ये मार्च निकाला, क्योंकि रोजगार के भी सारी जो संभावनाएं थी वो खत्म हो रही है दिन ब दिन। अभी आपने देखा है कि तमाम संसाधनों को बेच दिया गया और सरकार 4 वर्षीय नौकरी की एक नई योजना लेकर, नौकरी देने का कम, रिटायरमेंट देने की योजना ज़्यादा लगती है।